भागलपुर में एक महिला ने अपने मकान मालिक पर ही छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। पीड़ित सुषमा कुमारी पति रोहित सिंह इसाक्षिक थाना क्षेत्र की कृष्णा नगर कॉलोनी में कैलाश प्रसाद शेखावत के मकान में किरायेदार के रूप में रहती है। उसका कहना है कि मेरे पति माल लाने के लिए दिल्ली गए थे, तभी अकेला पाकर मकान मालिक कैलाश प्रसाद शेखावत ने मेरे साथ जबरदस्ती दुर्व्यवहार करने की कोशिश की। जब मैंने इसका विरोध किया तो उसने मेरे पति को जान से मारने की धमकी दी। बहरहाल पीड़िता सुषमा कुमारी ने मकान मालिक के खिलाफ महिला थाना भागलपुर में शिकायत दर्ज कराई है। मेरे पति गए थे दिल्ली माल लाने के लिए 3-4 दिन पहले। इसी क्रम में ऊपर मकान मालिक जो है बच्चे के बहाना, कैलाश प्रसाद सिंह मकान मालिक का नाम है, बच्चे के बहाना मेरे रूम में घुसे और मेरे साथ छेड़छाड़ करने की जबरदस्ती कोशिश की। उसके बाद मैंने जो बोली कि मैं अपने पति को बोल दूंगी, तो वो उन्होंने धमकी दिया कि तुम अपने पति को बोलोगी तो मैं तुम्हारे पति को जो है गोली मार दूंगा। ये मामला इसाक चक कृष्णा नगर कॉलोनी का। कब से रह रही थी मकान में? 3 महीना से। 3 महीना से रह रही। क्या किराया वराया बाकी था क्या? नहीं, कुछ बाकी नहीं था। एडवांस भी है उन्हीं के पास। आजकल पूरे बिहार में प्रेम प्रसंग के अजीबोगरीब मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे एक मामले में 3 बच्चे की मां अपने 3 बच्चे और पति को छोड़कर दूसरे मनचले युवक के साथ फरार हो गई। मामला भागलपुर जिले के नाथनगर थाना क्षेत्र की नरगा चौक का है, जहां के रहने वाले विक्रम कुमार की पत्नी 3 बच्चों को छोड़कर प्रेमी संग फरार हो गई है। इस मामले में नाथनगर थाना क्षेत्र के नरगा चौक के रहने वाले विक्रम कुमार तांती ने थाना में लिखित आवेदन देकर कहा कि 2009 में हिंदू रीति रिवाज के साथ मुलारपुर गांव के रहने वाले श्री राम तांती की पुत्री पूजा देवी के साथ शादी हुई थी, जिसमें 3 बच्चे हैं। पहला बच्चा मीना कुमार 11 वर्ष, दूसरा बच्चा पीयूष कुमार 8 वर्ष और तीसरा बच्चा संबंध कुमार 6 वर्ष का है। मेरी पत्नी मोहद्दीपुर गांव की युवक सन्नी तांती के साथ फरार हो गई है। सन्नी तांती के कहने पर सन्नी तांती और उसके मामा रोहित तांती, गौतम तांती, बाबूलाल तांती और मां मोंती देवी सभी मिलकर मारपीट व जान मारने की धमकी दे रहे हैं, इसलिए उचित जांच करते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मेरी पत्नी भाग गए, नाम उसका पूजा देवी। कहां शादी हुई थी? सबौर से शादी हुआ है। घर कहाँ है लड़की का? मोदीपुर। ये घर है इसका लपकुलिया, इसको बोला जाता है। कहाँ घर है? मुरारपुर। मुरारपुर नाथ थाना में ही पड़ता है जी। और किसके यहाँ शादी हुई थी? ससुर का क्या नाम है? ससुर का नाम है श्री राम तांती। और उसकी बेटी से शादी हुई? हाँ। क्या नाम है ससुर का? मैंने आपकी लड़की का पूजा देवी। उसी शादी हुई थी? कई साल पहले? 2009 में शादी हुई। 2009 में। के बच्चे हैं? तीन बच्चा है। तो तीनों बच्चा कहाँ? तीनों बच्चा हमारे पास है। क्या क्या नाम है बच्चा का? एक का नाम है मीना कुमारी। हाँ। दूसरा का नाम है, लड़का का नाम है पीयूष कुमार। हाँ। एक लड़के का नाम है समंत कुमार। हाँ हाँ। तीनों बच्चा मेरे पास है। पत्नी कहाँ है? पत्नी घर छोड़ के चली गई है तन्नी कुमार पत्नी के साथ। तन्नी कुमार कहाँ का रहने वाला? मोहदीपुर का। उसी के साथ फरार हो गई है। 10 वर्षीय बच्चे की बलि देने के मामले में चचेरा चाचा और तांत्रिक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। पीरपैंती निवासी बच्चे के चाचा शिवनंदन रविदास और तांत्रिक विलास मंडल को आजीवन कारावास के साथ 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। SC/ST एक्ट में विशेष कोर्ट ने सजा सुनाई है। सुनवाई में शामिल स्पेशल PP रमेश चौधरी ने बताया कि पीरपैंती के बिनोबा टोला निवासी मीना देवी ने बेटे कन्हैया कुमार की हत्या के मामले में पीरपैंती थाना में केस दर्ज कराया था। मामले में उन्होंने चचेरा देवर नंदन रविदास और तांत्रिक विलास मंडल पर बेटे की हत्या का आरोप लगाया था। बता दें कि मीना देवी ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया था कि 27 अक्टूबर 2019 को देवर शिवनंदन रविदास और तांत्रिक विलास मंडल ने मेरे बेटे कन्हैया को पटाखा दिलाने के बहाने घर से बुलाकर ले गया और उसके बाद से मेरा बेटा घर वापस नहीं लौटा, लेकिन अगले दिन घर के पीछे खून से लथपथ वो मृत अवस्था में मिला था। शिवनंदन रविदास और तांत्रिक विलास मंडल ने मिलकर कन्हैया की बलि दे दी थी, क्योंकि रविदास को बच्चा नहीं होने पर तांत्रिक ने उसको बोला था कि बलि देने से उसे बच्चा हो जाएगा। इसके बाद इस मामले में न्यायालय ने कठोर सजा सुनाते हुए तांत्रिक और हत्यारे चाचा को उम्र कैद की सजा सुना दी है। नर बलि आपने अपने भतीजे की दी थी, क्या इसमें सच्चाई है? तांत्रिक के कहने पर दिए थे। तांत्रिक तांत्रिक बच्चा नहीं होने के कारण। ये सब झूठो से क्या नाम बात बोल रहा है? विलास मंडल तांत्रिक बजबिट्टा के वहीं पर घटना हुआ है। तांत्रिक क्या बोले थे आपको? तांत्रिक क्या बताया था आपको? बच्चा नहीं होने के कारण जजमेंट हो नहीं सकता है। नर बलि देने के बाद जो है बच्चा हो जाएगा, तो आपने अपने भतीजे की बलि दी थी। हाँ, उस टाइम में मेरा दिमाग सही नहीं था, संतुलन नहीं था। हम गुजरात से आए थे,
सिक्योरिटी गार्ड के नौकरी करते थे। कहानी में अकड़ी में है बच्चा में डर होला जे हम तंत्री को कई पता लगे हमरा कुछ करनी छे बाबू बच्चा जो आरोप सजा किस सजा आपको किस बिंदु पर हर जन एक लगाने के लिए मंडल को फसाया गया शादी से सजा आपको जो हुई है तो अब जो है वो है तो हम ही है भुगत रही है। आप बलि नहीं दिए थे तक नहीं लिया सजा की। ये मामला है 35 थाना कांड संख्या 241 2019 का। इसमें मामला है शिवनंदन रविदास के पत्नी को बच्चा नहीं हो रहा था। ठीक है। जब बच्चा नहीं हो रहा था एक तांत्रिक जो है विलास पासवान से विलास मंडल से मिला और उसने कहा अगर तुम अपने भतीजा का दे दोगे बलि तो तुमको बच्चा हो जाएगा। उसके कहने पर जो है ये दोनों मिल करके इन्फॉर्मेंट मीना देवी जो है उसके बेटा 10 वर्षीय बच्चा को जो है बलि दे दिया। मामले में क्या सुनवाई हुई है क्या हुआ बताओ? आज हुआ जाकर आजीवन कारावास दिया गया और आजीवन के बाद 50,000 जो अतिरिक्त दिया 50,000 का जुर्माना सुनाया गया नहीं देने पर 6 महीना का अतिरिक्त सजा। भागलपुर जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के नयाचक मखना निवासी वर्तमान मुखिया बलुआचक पंचायत मुकेश कुमार मंडल के साथ 4 दिसंबर 2023 को रात्रि में 9:30 बजे शादी भोज के दौरान अपराधी जवाहर यादव उनके अन्य 5 साथी ने पहले जाति सूचक गाली दिया था फिर पिस्तौल के बट से जानलेवा हमला किया था और साथ ही उनके साथ लूटपाट की घटना को भी अंजाम दिया गया था। इस मामले को लेकर जगदीशपुर थाना में SC/ST एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले में 4 अभियुक्त ने कुछ पूर्व आत्मसमर्पण कर दिया था। वहीं 4 दिसंबर 2023 से ही मुख्य अभियुक्त जवाहर यादव फरार चल रहा था। वहीं पुलिस ने कोर्ट के आदेशानुसार जवाहर यादव के घर में इश्तहार भी चिपकाया था। पुलिसिया दबिश से भयभीत होकर आज टॉप 10 की सूची में शामिल कुख्यात अपराधी जवाहर यादव ने SC/ST कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। बताते चले इस घटना के अलावा जवाहर यादव के खिलाफ कई मुकदमे लंबित हैं। जगदीशपुर थाना कांड संख्या 546-23 के मुख्य आरोपी जवाहर यादव ने आज कोर्ट में से 3rd ADJ जो स्पेशल कोर्ट फॉर SC/ST है उसमें जाके सरेंडर किए हैं। वो 5/12/2023 से जो है फरार थे। वो एक दुर्दांत अपराधी हैं। उन पर और CCA चल रहा है। वो टॉप टेन अपराधियों की लिस्ट में है और जो है उन पर लगभग 6-7 केस लंबित है चल रहा है उन पर। और ये जो है आज उन्होंने आत्मसमर्पण किया है और जो ये लगातार पुलिस की दबिश जो हुई और इश्तहार जो पुलिस के द्वारा उनके घर पर जा कर के साटा गया उसके पुलिस के खौफ से जो है आज उन्होंने सरेंडर किया है कोर्ट में। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान तो चिंता छोड़िए क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में भागलपुर। मोबाइल 7050199341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स बिहार टॉकीज रोड लाइन बाजार पूर्णिया और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।
भागलपुर जिले में आज किसी प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण के द्वारा जिला स्तरीय खरीफ कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन आत्मा के अध्यक्ष जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने किया। इस मौके पर राज्य और जिले के वरीय कृषि अधिकारी और कृषि वैज्ञानिक मौजूद रहे। जिले के तमाम जगहों से अनेकों किसान भाइयों ने इस कार्यक्रम में शिरकत किया। जिलाधिकारी ने कहा कि खास तौर पर मोटे अनाज की बेहतर खेती कैसे करें इस पर जोर दिया गया। साथ ही किसानों को बीज वितरण में उचित सब्सिडी की जानकारी दी गई। वही जिलाधिकारी ने सबसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए निर्देश दिया कि किसान भाइयों के लिए जिला कृषि विभाग एक नंबर जारी करे ताकि कोई भी किसान सीधे अपनी समस्याओं को जाहिर कर सके और उसका कृषि संबंधित समस्या का समाधान हो सके। कर्मशाला कार्यशाला का आज उद्घाटन था जिसमें हमारे स्टेट से भी काफ़ी संख्या में पदाधिकारी आए हुए हैं, साथ ही यहाँ के कृषि वैज्ञानिक भी हैं और कृषि विभाग के समस्त अधिकारी, कृषि समन्वयक, सलाहकार भी जुड़े हुए हैं और सबसे खास हमारे किसान बंधु भी आए हुए हैं। इस बार के इस कार्यशाला में हम लोगों ने जोर दिया है कि मोटे अनाज के उत्पादन को हम लोग कैसे बढ़ाएं और आम लोगों को हम जागरूक करें ताकि मोटे अनाज का उत्पादन बढ़ा सके, जैसे ज्वार है, बाजरा है, रागी है। हम लोग अभी खरीफ में भी मक्का के फसल पे हम लोग जोर दे रहे हैं ऐसे इलाकों में, खास करके जहाँ पानी की कमी है तो उन इलाकों में इसको हम लोग उपजाएं। उसके लिए हमारे वैज्ञानिक अभी महत्वपूर्ण सुझाव देंगे और तरीके भी बताएंगे किस तरीके से हम लोग इसको उपजाएं। मैं आपके माध्यम से समस्त किसान बंधुओं से आग्रह करूंगा कि जो पर्यावरण है, अब हमारे पर्यावरण में धीरे धीरे करके कुछ बदलाव आ रहा है, तो हम लोग जलवायु अनुकूल खेती करें तो हम सभी के लिए बेहतर रहेगा, मिट्टी के लिए भी बेहतर रहेगा और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर रहेगा वो करें। और बीज वितरण में क्या सब्सिडीज है वो सारी जानकारी आपको अभी यहाँ पे कार्यशाला में दी जाएगी। सर, टोल फ्री नंबर के बारे में सर क्या बोलते हैं? हाँ, हमने ये कहा है कि एक नंबर जारी कीजिए यहाँ से कार्यालय से, ताकि हमारे किसी भी किसान बंधु को कोई शिकायत हो तो उस नंबर पे वो फ़ोन करके बता सके कि हमारे यहाँ ये शिकायत है, उनको बीज में है या खाद में कभी कोई दिक्कत होती है या हमारे सिस्टम में कहीं कोई जानकारी उनको प्राप्त करना है, तो एक नंबर भी जारी किया जाए ताकि उस नंबर से आमजनों को सुविधा मिल सके। सुल्तानगंज प्रखंड के गनगनिया पंचायत के घोरगढ़ उर्दू मध्य विद्यालय में प्राध्यापिका व शिक्षिका के विरुद्ध आपसी विवाद होने पर उर्दू मध्य विद्यालय में पठन पाठन बाधित हो रहा है। ग्रामीणों व बच्चों ने बताया कि उर्दू मध्य विद्यालय में शिक्षिका व प्राध्यापिका के आपसी विवाद होने पर विद्यालय में खाना पीना सही से नहीं मिल रहा है और सरकार द्वारा विद्यालय में सरकारी सहायता राशि आने पर खर्च का मुआवजा नहीं दिया जाता। प्राध्यापिका कुमारी अंजना सिन्हा ने कहा कि उर्दू मध्य विद्यालय में टाइम पर शिक्षक व शिक्षिका नहीं आने पर कहने पर आपसी विवाद नेहा भारती शिक्षिका द्वारा किया गया और कहा गया कि विद्यालय में 347 बच्चे हैं, कक्षा 1 से 8 तक कक्षा है। ग्रामीणों ने कहा कि शिक्षिका नेहा भारती, ग्रामीण शिक्षक मोहम्मद सलाउद्दीन, मोहम्मद समीम मंसूर, मोहम्मद इश्ताक हुसैन सभी मिलकर प्रधानाध्यापिका कुमारी अंजना सिन्हा के साथ दुर्व्यवहार करने पर विद्यालय में आपसी विवाद हो रहा है। अगर ग्रामीण शिक्षक व नेहा भारती शिक्षिका का तबादला होने पर सारी समस्या दूर हो जाएगी। इस दौरान दर्जनों ग्रामीण मौजूद रहे। निकलता है और पानी जब बोलते तो बोलते हराम का खाते खाना के बारे में और खाना अच्छे से नहीं देता। फिर उसके बाद जब बोलेंगे ना कि थोड़ा सा ये चावल दे दो कुछ भी, तो उनके हराम का खाते हो। और फिर जब बोलेंगे ना कि पानी मतलब, तो बोले कि अपना जो मिलता पी लो, जो खाने मिलता खाओ पी लो, ऐसे बोले। कुछ भी नहीं मिला स्कूल से, सब बच्चा को नेहा मैडम सिखाई, उसको निकाल लिया नेहा मैडम को। क्या समस्या है? क्या समस्या? उन्हें पढ़ाती लिखाती टाइम से आती है नेहा मैडम, लोग सब जितना नेका मैडम आई है, मास्टर आई है ना, टाइम से आती है, टाइम से जाती नहीं है। खाना पीना का अभी अच्छा समस्या चल रहा है, अभी सब चीज लगा रहा है स्कूल में, तो सिखाती है कि बोला खाना खराब है। हम लोग भी यही स्कूल से निकले पढ़ के 2 साल पहले, पहले कौन सी बिरयानी मिलता रहा स्कूल में, तो नेहा मैडम का समस्या। सब डेली मार करती है, डेली झगड़ा करती है, इसका सवाल के बारे में कहां बोले जी को जहर दिला के मारी है। विद्यालय का यहां उर्दू मध्य विद्यालय में सबसे बड़ा समस्या यहां यह है सर कि यहां जितना भी मतलब खर्च के लिए पैसा आता है उसका पता ही नहीं चलता कि किस चीज़ में किस मत में कितना पैसा आया और कितना खर्च किया गया है, कोई कार्य होता ही नहीं है। आज से नहीं, लगभग सेकंड टर्म से हम यहाँ का वार्ड मेंबर भी हैं और वार्डपति हैं हम अभी, तो वार्डपति होने के नाते हम कई बार इसमें कोशिश की है कि जाने कि कौन सा मत में कितना पैसा आया, तो वो पता ही नहीं चलता अभी तक। मेंबर तो बनाया गया होगा ना स्थानीय लोगों को? हाँ, अध्यक्ष है हमारी वाइफ भी है, तो उसमें पता ही नहीं चलता। और दूसरी बात ये है कि यहाँ का जितने भी टीचर थे हमारे, वो आज तक इस चीज़ का पता ही नहीं चलने दिए, चाहे वो हेडमास्टर हो, टीचर हो, सब अपना मिली भगत थे, सब मिली भगत होके ही जो करना होता था अपने में आपस में कर लेते थे। और कोई समस्या है? नहीं, सबसे बड़ा समस्या यही है जिसके कारण अभी पेयजल
या बाउंड्री हो स्कूल का, जो अभी तक सही से नहीं हो सका और सुचारू रूप से चालू ही नहीं हुआ है। आज मिला दाल चावल और आलू का सब्जी। क्या शिकायत था आलू खाना में? उसमें मतलब सब्जी कम दी सर, सब्जी अच्छा से नहीं दी सर, एक कुर्सी में दो आलू, किसी में एक आलू, ऐसे सब्जी अच्छा से नहीं दी सर। हम लोग ऑफिस में जब अटेंडेंस बनाने गए थे, बनाने गए तो वो बोली क्या कि जाओ यहाँ से, सिस्टर बोली। कौन सिस्टर? उसकी बोली जो उसकी सिस्टर अंजना मैम जो प्रधान है। अच्छा अच्छा। प्रिंसिपल की सिस्टर आई थी उस डेट में 13 तारीख, वो बोली कि जाओ यहाँ से ऑफिस से। किनको? दो टीचर जो थी। क्या क्या नाम है उनका? आसमा और मुझे। उनको हाँ उसी पे हम पूछ लिए क्यों जाएगी ऑफिस में, अभी अटेंडेंस बना है, अभी टाइम तो नहीं हुआ है क्लास का, नहीं जाएंगे, क्यों जाएंगे, बस इतने बोले। उसी पे वो आई और कराकर दो थप्पड़ दे दी। कौन? अंजना मैम। किसको? हमको। आपका क्या नाम हुआ? नेहा। आप क्यों बना रही? हाँ यही विवाद है, बस इतने विवाद है और कोई विवाद ही नहीं है। और दो दिन पहले वो दुनिया राजपूत और सारे टीचर का नाम, किसी को मोटू, किसी को मोगा, किसी को किसकवाज, छोरीवाज, सारे टीचर को बोलती है। कौन? वही प्रिंसिपल जो है अंजना, वही बोल रही है। हाँ सब टीचर को छोरीवाज, मोगा, किसकवाज, मोटुआ, ऐसे नाम सबका नोट करती है, नोट की। उसी पे सब टीचर को तो हमसे दो दिन पहले वो माफ़ी भी मांगी है, सारे टीचर के सामने माफी मांगी है। इसके लिए आप लोग लिख के दिए हैं? हाँ लिख के दिए हैं। वो इस गलत मिसबिहेव जो करती है इसकी वजह से वो मेरे से माफी भी मांगी कि नेहा जो बोले वो गलती माफ करो। कौन कह रहा है फल नहीं दिया जा रहा है? हम तो मात्र 4 तारीख से एचएम हुए हैं सर, उसके पहले क्या हो रहा था किसी ने नहीं बोला? अब की बात कर रहे हैं? अब की बात बोल रहे हैं? नहीं, बच्चे को सब कुछ दिया जा रहा है, ग्रामीण बोलेगा बच्चा बोलेगा सर। पानी का भी समस्या है आपके विद्यालय में? क्या चीज़ का पानी का समस्या है? चापाकल है हमारे यहाँ, कौन बोल रहे? नहीं गंदा पानी, नहीं गलत बातें, खाना सही से बनता है और पानी की समस्या नहीं है, ये गलत बातें हैं, पानी की समस्या नहीं है सर। अभी भी आप पानी चला के देख सकते हैं, पानी की समस्या नहीं है। खाना में दिक्कत? खाना में कोई दिक्कत नहीं है, आप हमसे ज्यादा ग्रामीण से पूछ सकते हो, बच्चों से ग्रामीण नहीं खाता है, बच्चा, बच्चा से पूछ सकते हो आप, बच्चों से पूछिए सर कि हमने जब से पद संभाला है सर तो उस समय से क्या परेशानी बच्चों के साथ है, ग्रामीण के साथ है या और किसी के साथ है? हमने टाइट किया सर, बस यही हमारी ये है कि समय पे ना आए ना समय पे जा रही थी तो हमने समय बांधा। मारपीट का क्या कारण था? मारपीट का कारण यही था, समय है, कुछ तो बहाना ढूंढना है उसको, आकर के गाली गलौज हमेशा करते रहती है, पारिवारिक झंझट भी करती है वो। बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 30A में उत्पाद के विशेष कोर्ट निष्ठा के बिंदु पर सुनवाई की और अपनी अदालती कार्रवाई पूरी करते हुए अभियुक्त संजीव कुमार और नीतीश कुमार को 5-5 वर्षों का सश्रम कारावास सजा सुनाते हुए 1,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया और जुर्माने की राशि नहीं देने पर 3 माह की अतिरिक्त सजा भी सुनाई गई। मामले में उत्पाद कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक भोला मंडल ने बताया कि बीते 6 मार्च को कहलगांव के रसलपुर थाना की पुलिस क्षेत्र की चाय टोला 4 लेन के समीप दीवा गश्ती में थे, तभी 2 मोटरसाइकिल पर सवार युवक पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे पुलिस ने खदेड़कर पकड़ा और तलाशी के दौरान उनके पास से जूट के बोरे में लगभग 45 लीटर विदेशी शराब बरामद किया। भोला मंडल ने बताया गिरफ्तार आरोपी नीतीश और संजीव को कोर्ट ने बीते 21 मई को ही दोषी करार दिया था, जबकि मामले में एक अन्य अभियुक्त मोहम्मद मुमताज जमानत के बाद से अनुपस्थित है, जिसके खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिया। फिलहाल संजीव और नीतीश को कोर्ट ने सजा सुनाई और जुर्माने का दंड देते हुए जेल भेज दिया है। थाना कौन संख्या 272-23 स्पेशल एक्साइज 1241-23 में आज 30A में सजा सुनाई गई। सजा में 5 साल की सजा, 1,00,000 रुपया की जुर्माना, नहीं देने पर 3 महीनों की अतिरिक्त सजा सुनाई गई। इसमें एक अभियुक्त को पूर्व में रिहा कर दिया गया है, 2 अभियुक्त एक नीतीश कुमार एक संजीव कुमार को सजा सुनाई गई है। इसमें एक अभियुक्त और पकड़ाया था मोहम्मद मुमताज, वह भी गाड़ी के साथ पकड़ाया था, वह ट्रायल के दौरान वह भाग गया, उसके ऊपर NBW जारी है, 3 के ऊपर विचारण हुआ, 1 रिहा हुआ, 2 को सजा हुई।
भागलपुर की सुल्तानगंज के अजगैवीनाथ धाम के उत्तरवाहिनी गंगा घाट में स्नान करने के दौरान एक युवक डूब गया। डूबे युवक मोहम्मद साहिल के पिता मोहम्मद सुलेमान घर इस्लाम नगर ने बताया कि चार दोस्तों के साथ वह अजगैवीनाथ गंगा घाट में स्नान करने पहुंचा था। स्नान करने के दौरान मोहम्मद साहिल गंगा में डूब गया। स्थानीय लोगों द्वारा कपड़े में लिखे जर्सी पर इस्लाम नगर का पता होने के बाद उसकी पहचान की गई। वहीं एसडीआरएफ की टीम 3 घंटा बीत जाने के बाद भी डूबे युवक की खोजबीन नहीं कर पाई है। पुलिस पदाधिकारी एवं सीओ रवि कुमार को दूरभाष पर सूचना देने के बाद बताया गया कि अब कल एसडीआरएफ की टीम द्वारा खोजबीन की जाएगी। आपको बताते चले कि डूबने की घटना गंगा घाट पर बराबर हो रही है, इसलिए जरूरी है कि सुल्तानगंज के गंगा घाट पर तैराक दल एसडीआरएफ की टीम हर समय तैनात रहे। मोहम्मद सुलेमान कहाँ घर हुआ? इस्लाम नगर। क्या घटना घटी यहाँ पे? घटना में लड़का डूब गया। क्या नाम है लड़का का? मोहम्मद साहिद। उम्र कितना है? 18। कैसे डूबा? यहाँ साथी संगत के साथ आया, वो डूब गया नहाने के लिए। हाँ, हमको कपड़ा मिला, कोई आदमी कपड़ा दिया और साइकिल लेके गया, चप्पल भी यहीं पे मिला हमको। कपड़ा लेके हम हाथ में लेके घूम रहे। कौन सूचना दिया आप लोग? सूचना इससे मिला, मतलब यहाँ कोई आया था छोड़ने के लिए टोटो से। जी। इस नंबर से मतलब पता लगा, बोला कि ये आपका है तो ले जाइए। देखिए